हेलो दोस्तों, आज 1 जून 2018 को हम एलसी वेल लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरी सोच, मकसद और पैगाम है। एलसी वेल वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन है, एक खुशहाल, शांत और बेहतर दुनिया के लिए। एलसी वेल जाति, समुदाय और इंटरनेशनल लेवल पे वेलबींग क्रिएट करेगी। एलसी वेल लेक्चर्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और कैंपेन्स पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज करेगी। एलसी वेल आगे बताए गए वेलबींग कैटेगरीज में साइंटिफिक इल्म और रिसर्च से काम करेगी। ए पॉजिटिव साइकोलॉजी, बी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, सी यूएनओ के 16 सस्टेनेबल गोल्स। हाल ही में की गई रिसर्च और विश्लेषण दिखाते हैं कि दुनिया की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ रहे हैं, पर दुनिया में खुशी नहीं बढ़ रही। पर्सनल लेवल पर भी कुछ आमदनी पाने के बाद ही खुशी बढ़ती है। यूएसए और दूसरे देशों में खुशी और आमदनी का कंपैरिजन इस कर्व में दिखता है। यूएसए दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है, पर खुशी का इंडेक्स देखें तो नंबर 16 पे आता है। आमदनी का सिर्फ 10% फर्क पड़ता है हमारी खुशी पर। उससे ज्यादा जरूरी है हमारी पसंद और जीन्स, इस दिखाए गए डायग्राम के मुताबिक। अब लेटेस्ट रिसर्च तो ये भी दिखाती है कि जेनेटिक गुण और सोच बदले जा सकते हैं। रिसर्च ये भी कहता है कि खुश मिजाज लोग ज्यादा जीते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत होते हैं। हम अपनी खुशी पे बहुत फालतू की कंडीशंस रखते हैं। एक छोटी उम्र से ही हमारी खुशी एग्जाम्स में पास होने और एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होने पर निर्भर होती है, बड़े होकर अच्छी नौकरी और शादी पर। हर मोड़ पर एक गोल पर हमारी खुशी निर्धारित होती है। एक गोल अचीव होता है और एक नया गोल आ जाता है। ये हमें अंदरूनी खुशी पाने से दूर रखता है। आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी अंदर की खुशी पर ध्यान देना शुरू करें। खुशी फैलाने के लिए हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है। मजबूत रिश्ते हमारे जीवन को रिलैक्स्ड बनाते हैं। कुछ और चीजें जो मदद करती हैं, वो हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना और दयालु और शुक्रगुजार होना। माइंडफुलनेस कहती है कि मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से हम पॉजिटिव थॉट्स जनरेट कर सकते हैं और अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास 30 से ज्यादा कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि आशा, करुणा, प्यार, इंसाफ, सहानुभूति, इंसानियत, हंसी मजाक, दया, हिम्मत आदि। इन कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को डेवलप करने पे हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। बिजनेस और आर्थिक रेवोल्यूशंस अब तकनीकी रेवोल्यूशन तक में डेवलप हो चुके हैं, पर वेलबींग रेवोल्यूशन अभी बाकी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस में काफी तरक्की होती जा रही है। आज इनमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस, पैसा, पावर और नाम कमाने में लगाई है और मैं उन सब में कामयाब हुआ हूं। अब मैं वेलबींग में अपनी जान लगाऊंगा। इस दुनिया को एक बेहतर, पीसफुल और खुशहाल जगह बनाने के लिए मैं अपनी सारी कमाई एलसी वेल में लगा रहा हूं। अब मैं 58 साल का हो गया हूं। अक्सर लोग 60 पे रिटायर हो जाते हैं, पर मैं रिटायर नहीं, रिवायर हो रहा हूं। अपनी पूरी जान और स्ट्रेटजी वेलबींग में लगा रहा हूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। शुक्रिया।
Subscribe to our channel by pressing the subscribe icon and hit the bell icon for more updates.